नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टी सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर ऑनलाइन क्लासेस। एट फर्स्ट वी पुट डेट, टुडे डेट इज 12/5/2020, सब्जेक्ट इज एसएसटी एंड द टॉपिक इज अ यूनिक प्लैनेट। As we all know that which planet is called unique planet? Think, which planet is ऐसे कौन सा ग्रह है, कौन सा planet है जिसको unique planet बोला जाता है, अद्वितीय अद्वितीय ग्रह। वो ग्रह हमारी पृथ्वी है। क्यों, ऐसी कौन सी विशेष बातें हैं जो हमारी पृथ्वी को अद्वितीय बनाते हैं, वो पॉइंट्स नोट कीजिए आप लोग। अवर अर्थ इज कॉल्ड ए यूनिक प्लैनेट बिकॉज पॉइंट वन। क्यों हमारी पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह क्यों बोला जाता है, क्योंकि इससे जुड़ी कुछ विशेष बातें हैं जो ये हमारे ग्रह पृथ्वी को कुछ खास बनाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि पृथ्वी पर ही जीवन है। जीवन की कल्पना केवल पृथ्वी पर ही की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह होती है कि हमारे पृथ्वी पर ही जीवन है और जीवन की कल्पना हम पृथ्वी पर ही कर सकते हैं। तो इट इज द ओनली प्लैनेट, इट इज द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ। यही एक ग्रह है जिस पर जीवन की कल्पना की जा सकती है या फिर जीवन है। इट इज द दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज द ओनली प्लैनेट विच एटमोस्फेयर हैज 21% ऑफ ऑक्सीजन। पृथ्वी यह ग्रह है जिसमें जिसके वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन, जो कि जीवन के लिए जरूरी है, वो पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 3, इट इज द डेंसेस्ट प्लैनेट, इट इज द डेंसेस्ट प्लैनेट एंड 70% ऑफ इट्स सरफेस कवर्ड विथ वाटर। तो तीन बिंदुओं पर ध्यान दीजिए, पृथ्वी ही वह ग्रह है जिस पर जीवन की कल्पना की जा सकती है और हम जीवन की कल्पना सिर्फ सोच के नहीं कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही जीवन नहीं आ जाएगा पृथ्वी पर। जीवन की कल्पना ऑक्सीजन, एयर, वाटर, लैंड, ये ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जिनके आधार पर हम जीवन की कल्पना कर सकते हैं और ये सारे के सारे पृथ्वी पर मौजूद हैं। सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन, जहां पर लिविंग थिंग्स के लिए जो जरूरी है वो क्या है, ऑक्सीजन, जो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में 21% है। दूसरा क्या है, वाटर, पानी। आप लोग को तो पता ही है कि जल ही जीवन है और बिना जीवन के जीवन की कल्पना करना ही असंभव है।
हमारी पृथ्वी जो है 70% इसका सतह पानी से ढका हुआ है। तो हमने क्या देखा, पृथ्वी ही वह ग्रह है जिस पर जीवन की कल्पना की जा सकती है, और पृथ्वी पर ऑक्सीजन, वाटर, एयर, लैंड ये सब मौजूद है जिसके आधार पर जीवन की कल्पना की जा सकती है। नाउ दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा टॉपिक क्या है, मेजर लैंड मासेस एंड वाटर वाटर बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड। लैंड मासेस, लैंड मास, व्हाट डू यू मीन बाय लैंड मासेस? लैंड मास जमीन के टुकड़े को लैंड मास कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर ऐसे बहुत से जमीन के टुकड़े हैं जिस पर लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है, एंड वाटर बॉडीज जिसको हमने तो आपको पहले ही बताया कि पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो मेजर लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ, ये जो लैंड मासेस है और वाटर बॉडीज है, ये पृथ्वी पर जो है, ये पृथ्वी पर है, पृथ्वी ढका हुआ है लैंड मासेस और वाटर बॉडीज से, और इसके आधार पर भी जीवन की कल्पना की जा सकती है। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स जो है लैंड मासेस में आते हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में, इस विश्व में पूरे 7 महाद्वीप है। तो पहला क्या है, पहला क्या है, अफ्रीका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। दिस आर द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। सो एशिया अमॉन्ग दिस कॉन्टिनेंट्स, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। मेजर लैंड मासेस, इन मेजर लैंड मासेस में कॉन्टिनेंट्स आते हैं, और कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, 7 हैं, और 7ों में कौन कौन से हैं, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। उसमें इन कॉन्टिनेंट्स में एशिया जो है इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट
ओशंस। ओशंस ओशंस मीन्स क्या होता है? महासागर। ओशंस मीन्स क्या होता है? महासागर। सी मीन्स समुद्र होता है, लेकिन ओशंस किसको बोलते हैं? ओशंस आर वेरी लार्ज वाटर बॉडीज। ओशंस आर वेरी लार्ज वाटर बॉडीज। वेरी लार्ज वाटर बॉडीज। नाइंटी सेवन परसेंट ऑफ द अर्थ 97% ऑफ द अर्थ वाटर 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज कंटेन्ड इन ओशंस। इस पृथ्वी पर जितना भी वाटर बॉडीज है, पृथ्वी का तो आधा हिस्सा तो पानी ही है, इसमें 97% जो है वो ओशंस के हिस्से में आता है। 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज कंटेन्ड, पृथ्वी का 97% हिस्सा जो पानी जो है वो ओशंस में है। ओके, द अर्थ हैज 5 ओशंस। कितने ओशंस है? द अर्थ पृथ्वी हैज 5 ओशंस। कितने ओशंस है पृथ्वी के? 5 ओशंस है, 5 ओशंस है। सो लेट्स नेम देम। ग्रीन आर्कटिक ओशन, पहला क्या कौन सा है? आर्कटिक ओशन। उसके बाद दी अटलांटिक ओशन, दी अटलांटिक ओशन, दी इंडियन ओशन, दी पैसिफिक ओशन, so these are the 5 oceans of earth. Let's repeat: the Arctic Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Pacific Ocean and the Southern Ocean. So in these lessons we have discussed about our earth, that why it is called unique planet. Then we discussed about land mass.